वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मूला फॉर ड्राइंग फ्रेम। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम ड्रा फ्रेम में स्पिनिंग प्रोसेस में जो हमारी ड्रा फ्रेम मशीन है, ड्रा फ्रेम मशीन में हम सिंपल कैलकुलेशन जो ड्रा फ्रेम में हम ड्राफ्ट कैलकुलेट करते हैं, स्लाइवर हैंग कैलकुलेट करते हैं और ड्रा फ्रेम प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं, हम वो कौन से फार्मूले होते हैं, कैसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इस लेक्चर के माध्यम से हम कुछ कैलकुलेट ड्रा फ्रेम के कुछ कैलकुलेशन को इस लेक्चर के माध्यम से हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं ड्रा फ्रेम के बारे में। ड्रा फ्रेम इज द मशीन वेयर द स्लाइवर आर डबल्ड आर कंबाइंड ब्लेंडेड एंड मिक्स लेवल्ड एंड अटेनुएटेड ट्रांजिस्टली थ्रू ए सीरीज ऑफ पेयर ऑफ रोलर। कह रहे कि ड्रा फ्रेम मशीन हमारी वो मशीन है जहां पे हम मेटल की डबलिंग करते हैं, स्लाइवर की डबलिंग करते हैं, कंबाइन करते हैं, ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं और इस डबलिंग प्रोसेस से मेटल लेवल हो जाता, लेवलिंग यानी यूनिफॉर्मिटी इंप्रूव हो जाती है एंड अटेन्युएशन कंटिन्यूअस मेटल को हम अटेन्युएशन पुल करते हैं, खींचते हैं थ्रू ए सीरीज ऑफ पेयर ऑफ रोलर। पेयर ऑफ रोलर के जो ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट में पेयर ऑफ रोलर का अरेंजमेंट होता है जिसके माध्यम से हम मेटेरियल को कंटिन्यूअस जो है पुलिंग करते हैं, खींचते हैं और खींच करके हम मेटल को फाइबर को स्ट्रेट करते हैं, इवनेस लेवल को इंप्रूव करते हैं इस डबलिंग माध्यम से ड्राफ्ट फ्रेम प्रोसेस में। इन द ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट ईच पेयर ऑफ रोलर मूव फास्टर देन द प्रियर वन। और इस जो हमारा ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट होता है जहां सीरीज ऑफ पेयर ऑफ रोलर लगे हैं वहां पे जो बैक रोलर है, बैक रोलर से स्पीड बैक रोलर और फ्रंट रोलर जहां डिलीवरी हो रही है वो हमारा फ्रंट रोलर साइड है और जितना मेटेरियल फीड हो रहा है वो हमारा बैक साइड है। बैक फ्रंट रोलर की स्पीड बैक रोलर से हमेशा ज्यादा होती है और मिडिल रोलर की स्पीड बैक रोलर से ज्यादा और फ्रंट रोलर की स्पीड मिडिल से ज्यादा, यानी मटेरियल हमारा कंटिन्यूअस जो है पुल होता जाता है, खींचता जाता है, अटेन्युएशन ऑफ मटेरियल यानी मटेरियल हमारा कंटिन्यूअस जो है खींचता है और जिससे हमारी जो है ड्राफ्टिंग का फंक्शन जो है जिससे हमारा ड्राफ्टिंग का फंक्शन परफॉर्म होता है। ये ड्राफ्ट का कैलकुलेशन यानी हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे वो ड्राफ्ट का कैलकुलेशन कि हमारा मिडिल ड्राफ्ट कितना है, फ्रंट ड्राफ्ट कितना है, टोटल ड्राफ्ट कितना है और ड्राफ्टिंग का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो आगे हम इस कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे। द की पर्पज ऑफ इंप्लीमेंटिंग ड्रा फ्रेम टू स्पिनिंग प्रोसीजर इज टू डेवलप द यार्न क्वालिटी पार्टिकुलरली यार्न इवनेस थ्रू इंक्रीजिंग स्लाइवर क्वालिटी। द की पर्पज ऑफ इंप्लीमेंटिंग ड्रा फ्रेम टू स्पिनिंग प्रोसीजर इज टू डेवलप द यार्न क्वालिटी। यहां पे ड्रा फ्रेम का जो है मेन जो हमारा कंसेप्ट है इस स्पिनिंग प्रोसेस में वो यार्न की क्वालिटी यानी स्लाइवर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। स्लाइवर की क्वालिटी बेटर होगी तो रोबिंग की क्वालिटी बेटर होगी और रोबिंग से हमारा यार्न भी बेहतर प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो हमारा मेन की फंक्शन है ड्रा फ्रेम का स्लाइवर की क्वालिटी को इनहांस करना यानी इवनेस और फाइबर ओरिएंटेशन को इम्प्रूव करना ड्रा फ्रेम प्रोसेस से, पार्टिकुलरली यार्न इवनेस थ्रू इंक्रीजिंग स्लाइवर क्वालिटी। और यार्न इवनेस और फाइबर ओरिएंटेशन हमारा लेवल इंप्रूव होता है, यार्न की क्वालिटी हमारी, स्लाइवर की क्वालिटी हमारी इंप्रूव होती है। ड्रा फ्रेम मशीन, यहाँ पे हम पिक्चर में जो है फिगर में ड्रा फ्रेम मशीन देख रहे हैं, ये हमारे कार्डेड कैन है, कार्डेड कैन को हम क्रिल पे अरेंज करते हैं, फीड करते हैं और ये डबलिंग होती है, ये जो है स्लाइवर एक साथ हमारा जो पैरेलल फीड हो रहा है फीड रोलर में, ये डबलिंग हमारे स्लाइवर डबल हुए, डबलिंग में प्रोसेस में अरेंज हुए और फीडिंग, ये हमारा ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट है। ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट में हमारा बैक रोलर है, ये हमारे मिडिल रोलर है, ये हमारा फ्रंट रोलर है। कंटिन्यूअस जो है बैक रोलर से इस रोलर मिडिल की रोलर की स्पीड ज्यादा होगी और मिडिल से जो है फ्रंट रोलर की स्पीड ज्यादा होगी, यानी मटेरियल हमारा कंटिन्यूअस जो है पुल होता जाएगा, खींचता जाएगा, यानी ड्राफ्टिंग होती जाएगी इस प्रोसेस को, यानी पुलिंग को कंटिन्यूअस जो मटेरियल की पुलिंग हो रही है जो है वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम एंड इसको हम जो है ड्राफ्टिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो इस ड्राफ्ट का भी हम कैलकुलेशन जानेंगे कि कितना ड्राफ्ट जो हमारे मेटेरियल में, कितने की ड्राफ्टिंग जो है मेटेरियल में लगी हो रही है। तो इस कैलकुलेशन से हम जो है इस कैलकुलेशन से ड्राफ्टिंग को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमारा स्लाइवर आगे जो स्लाइवर डिलीवर होगा, अगर हम मेटल की यहाँ पे डबलिंग कर रही हैं
तो स्लाइवर हमारा किस हैंग का डिलीवर होगा, हम स्लाइवर के हैंग का कैलकुलेशन और ड्राफ्टिंग का कैलकुलेशन इस लेक्चर के माध्यम से सीखेंगे। ये आप सिंपल फिगर में जो आप ड्राफ्ट फ्रेम मशीन देख रहे हैं, आपको इस ड्राफ्ट फ्रेम मशीन से आइडियल आप आइडिया आपको हो गई कि हमें मटेरियल को हम फीड कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, डबलिंग कर रहे हैं और ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, और हम स्लाइवर को कैन में कलेक्ट कर रहे हैं। जो हमारा स्लाइवर ड्राफ्टिंग के बाद स्लाइवर की क्वालिटी हमारी इंप्रूव हो जाती है, इनहांस हो जाती है, स्लाइवर हमारा इवन प्रोड्यूस होता है और फाइबर ओरिएंटेशन लेवल इंप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे हम वर्किंग देख रहे हैं ड्राफ्ट फ्रेम की वर्किंग को। आप यहाँ पे इस पिक्चर के माध्यम से ड्राफ्ट फ्रेम हमारा किस तरीके से वर्क करता है, इस वर्किंग को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और फिर हम इसके कैलकुलेशन को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम क्रिल, ये हमारे कार्डेड स्लाइवर है जो क्रिल पे फ्रीड है और डबलिंग होकर के, ये डबलिंग प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है क्रिल पे डबलिंग होकर के, और यहाँ पे हमारा जो है मेजरिंग रोलर लगा होता है जिसको ऑटो लेवलर के लिए, और ये ड्राफ्टिंग यूनिट में, ये हमारा ड्राफ्टिंग यूनिट है, पेयर ऑफ रोलर, पेयर ऑफ रोलर, बैक रोलर है, मिडिल रोलर है, फ्रंट रोलर है, ये गाइड रोलर, और ये हमारे क्वाइलर है। क्वाइलर से जो है मटेरियल हमारा कैन में ड्राफ्टिंग के बाद, ड्राफ्टिंग के बाद यानी हम एक इस ड्राफ्टिंग में जो है फाइबर जो है असम फाइबर जो है फीड होते हैं, स्लाइवर जो है स्लाइवर डबल होकर के फीड होते हैं, और उसकी ड्राफ्टिंग होकर के और सिंगल स्लाइवर की जो है डिजायर्ड हैंग, जो हम स्लाइवर का हैंग, जो हम जिस हैंग का प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं मशीन में, हम ड्राफ्ट को पुट करेंगे और उस हैंग को हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये हमारा ड्राफ्ट फ्रेम है। ड्राफ्ट फ्रेम की आप वर्किंग को आसानी से समझ सकते हैं कि हम डबलिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, और इस डबलिंग और ड्राफ्टिंग प्रोसेस से जो हमारा डिलीवर्ड स्लाइवर है, इस डिलीवर्ड स्लाइवर की क्वालिटी इवनेस यानी इवनेस इंप्रूव हो जाती है और फाइबर ओरिएंटेशन इंप्रूव हो जाता है, जो यार्न फॉर्मेशन में काफी हेल्पफुल होता है। यार्न की क्वालिटी हमारी इनहांस हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। यहाँ पे आप ड्राफ्टिंग प्रोसेस को और क्लियर रूप से समझने के लिए, हमारा फ्रंट रोलर है, मिडिल रोलर है, बैक रोलर है, और ये हमारा मटेरियल है, मेटल को हम फीड करते हैं। ये हमारा मेजरिंग रोलर है, ऑटो लेवलर का मेजरिंग रोलर है, जो थिक थिन प्लेसेस को जो है कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो है फीड रोलर में हमारे मेटल फीड होगा, मेटल की ड्राफ्टिंग होगी, पुलिंग होगी, और नंबर ऑफ टाइम्स, वन टाइम्स, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स जो है यहाँ पे ड्राफ्टिंग होगी, और ड्राफ्टिंग के बाद हमारा मटेरियल जो हम जिस हैंग का हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उस हैंग का हम जो है मटेरियल प्रोड्यूस, स्लाइवर हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इस ड्राफ्टिंग प्रोसेस में हम ड्राफ्ट का कैलकुलेशन जानेंगे कि ड्राफ्ट का कैलकुलेशन करेंगे, यानी अगर हम देखें यहाँ पे मेन ड्राफ्ट, जो मेन ड्राफ्ट की बात हो रही है, तो सरफेस स्पीड ऑफ फ्रंट रोलर डिवाइड बाय सरफेस स्पीड ऑफ मिडिल रोलर, यानी सरफेस स्पीड पाई डी एन, और इस रोलर की सरफेस स्पीड पाई डी एन, यानी ये हमारा रोलर मिडिल रोलर अलग आरपीएम से मूव कर रहा है और फ्रंट रोलर हमारा अलग आरपीएम से मूव कर रहा है। अगर दोनों का डायमीटर सेम हो, अलग अलग आरपीएम से मूव कर रहे हैं, तो हम सरफेस स्पीड ऑफ फ्रंट रोलर डिवाइड बाई सरफेस स्पीड ऑफ मिडिल रोलर से हम मेन ड्राफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रेक ड्राफ्ट की बात करें, ब्रेक ड्राफ्ट और बैक ड्राफ्ट, तो ब्रेक ड्राफ्ट हमारा जो है मिडिल रोलर और बैक रोलर के बीच में लगता है, और इस रोलर इसको हम कैलकुलेट करने के लिए सरफेस स्पीड ऑफ मिडिल रोलर डिवाइड बाय सरफेस स्पीड ऑफ बैक रोलर, इससे जो है इस रेशियो से हम, इस सरफेस स्पीड के रेशियो से हम ब्रेक ड्राफ्ट को या बैक ड्राफ्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें टोटल ड्राफ्ट कैलकुलेट करना है, तो सरफेस स्पीड ऑफ फ्रंट रोलर डिवाइड बाय सरफेस स्पीड ऑफ बैक रोलर, इससे हम जो है मशीन में टोटल ड्राफ्ट इनपुट कितना है, इसको इसका हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सम इसेंशियल फार्मूला फॉर ड्राफ्ट फ्रेम मशीन। ड्राफ्ट फ्रेम मशीन में कैलकुलेशन के लिए हम जनरली कौन से फार्मूले जो है इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे स्लाइवर हैंग, हम जो डिलीवर स्लाइवर हैंग है, उस स्लाइवर हैंग को कैलकुलेट कर हम आसानी से इस फार्मूले से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लाइवर लेंथ डिवाइड बाई यूनिट लेंथ डिवाइड बाई स्लाइवर वेट
डिवाइड बाय यूनिट वेट, यानी इससे जो है हम इस फॉर्मूले से जो है स्लाइबर जो हम स्लाइबर का जो सैंपल लेंथ है उस सैंपल लेंथ से हम आसानी से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या ये हम मेट इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम में हम अगर देखें तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे और हम इंग्लिश काउंट जो है इंग्लिश काउंट जिसको हम स्लाइबर को स्लाइबर फॉर्म में जब हमारा मेटेरियल होता है उसको हम हैंग कहते हैं, उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लाइबर लेंथ इंटू यूनिट वेट डिवाइड बाई यूनिट लेंथ इंटू स्लाइबर वेट। स्लाइबर लेंथ अगर हमारी यार्ड में है तो उस केस में जो है डिवाइड बाई 840 इंटू स्लाइबर वेट ग्रेन में और इंटू ऊपर जो हमारा मल्टीप्लाई होगा 7000, यानी वन पाउंड में 7000 ग्रेन होता। तो इस फार्मूले से अगर हम जो है स्लाइबर के हैंग को कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारा स्लाइबर का वेट ग्रेन में हो। और यहाँ पे जो है स्लाइबर का वेट हमारा जो है ग्राम में हो तो यूनिट वेट हमारा जो है 453.6 होगा और यूनिट लेंथ यहाँ पे इंग्लिश सिस्टम में 840, हैंक में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 840 यार्ड, यानी वन हैंक इक्वल टू 840 यार्ड होता है। तो हम आसानी से इंग्लिश काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हैंक के काउंट को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसेंशियल फॉर्मूला ड्राफ्ट की हम बात करें, ड्राफ्ट की तो यहाँ पे जो है हम दो तरीके के ड्राफ्ट कैलकुलेट करते हैं, एक जो है मैकेनिकल ड्राफ्ट और एक एक्चुअल ड्राफ्ट। तो हम यहाँ पे जो है जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं यहाँ पे मैकेनिकल ड्राफ्ट की बात करना है। मैकेनिकल ड्राफ्ट जो मशीन में इनपुट किया गया है, जो गियर के माध्यम से जो है ड्राफ्ट को कंट्रोल किया जा रहा है, तो उस ड्राफ्ट की हम बात करेंगे। मैकेनिकल ड्राफ्ट, टेक्निकल ड्राफ्ट और मैकेनिकल ड्राफ्ट इक्वल टू ड्राफ्ट कांस्टेंट अपॉन डीसीपी, यानी ड्राफ्ट कांस्टेंट को अगर हम ड्राफ्ट चेंज पिनियन डीसीपी यानी ड्राफ्ट चेंज पिनियन से हम डिवाइड कर दें तो हमारा मैकेनिकल ड्राफ्ट जो है हमें फाइंड आउट हो जाता है। जो दूसरा तरीका है मैकेनिकल ड्राफ्ट को कैलकुलेट करने का, फ्रंट रोलर सरफेस स्पीड डिवाइड बाय बैक रोलर सरफेस स्पीड, यानी टोटल ड्राफ्ट मशीन में जो टोटल ड्राफ्ट इनपुट हो रहा है, मैकेनिकल ड्राफ्ट जो इनपुट हो रहा है वो ड्राफ्ट हमारा जो है फ्रंट रोलर सरफेस स्पीड डिवाइड बाय बैक रोलर सरफेस स्पीड से जो है सरफेस स्पीड हमारी क्या है पाई डी एन, पाई डी एन के हेल्प से जो है हम सरफेस स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं और ड्राफ्ट को टोटल ड्राफ्ट को मैकेनिकल ड्राफ्ट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डिलीवर्ड मटेरियल लेंथ, और अगर हम मटेरियल से हम कैलकुलेशन करें तो डिलीवर्ड मटेरियल लेंथ डिवाइड बाय फिट मटेरियल लेंथ, इससे जो है मैकेनिकल ड्राफ्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरे फार्मूला जो हम देखें, फ्रंट रोलर डाया डिवाइड बाय बैक रोलर डाया इनटू गियरिंग फ्रॉम बैक रोलर टू फ्रंट रोलर। अगला फार्मूला हम देखें मैकेनिकल ड्राफ्ट को कैलकुलेट करने का, फिट मटेरियल वेट डिवाइड बाय डिलीवर्ड मटेरियल वेट, फिट मटेरियल वेट डिवाइड बाय डिलीवर्ड मटेरियल वेट इनटू 1 माइनस वेस्ट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। इस फार्मूले से भी हम जो है मैकेनिकल ड्राफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक्चुअल ड्राफ्ट इनटू 100 माइनस वेस्ट डिवाइड बाय 100, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम मैकेनिकल ड्राफ्ट या टेक्निकल ड्राफ्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल ड्राफ्ट, अब हम जो है मशीन में जो एक्चुअल ड्राफ्ट की बात करें तो अभी तक मैकेनिकल ड्राफ्ट हमने मशीन से कैलकुलेट किया, यानी रोलर की स्पीड से कैलकुलेट किया, और यहाँ पे हम एक्चुअल ड्राफ्ट जो कैलकुलेट करेंगे मटेरियल से कैलकुलेट करेंगे, यानी मटेरियल का हैंग से जो स्लाइबर है अगर यहाँ पे डिलीवर हो रहा है तो स्लाइबर के हैंग से हम और स्लाइबर के वेट से जो है कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल ड्राफ्ट को। एक्चुअल ड्राफ्ट इक्वल टू डिलीवर्ड स्लाइबर हैंग इनटू डबलिंग डिवाइड बाय फिट स्लाइबर हैंग, यानी डिलीवर्ड स्लाइबर हैंग डिवाइड बाय फिट स्लाइबर हैंग इनटू नंबर ऑफ डबलिंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एक्चुअल ड्राफ्ट कैलकुलेट हो जाता है इनटू फिट मटेरियल वेट, फिट मटेरियल वेट डिवाइड बाय डिलीवर्ड मटेरियल वेट, जो हमारा अगर हम मेटल के वेट से यानी स्लाइबर के वेट से अगर कैलकुलेट करते हैं तो फिट मटेरियल वेट जो हम क्रिल पे मटेरियल फिट कर रहे हैं पर यूनिट वेट डिवाइड बाय डिलीवर्ड मटेरियल पर यूनिट वेट, इससे हम जो है एक्चुअल ड्राफ्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल मैकेनिकल ड्राफ्ट
इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस वेस्ट परसेंटेज। इस फॉर्मूले से भी हम एक्चुअल ड्रॉप को, ड्राफ्ट फ्रेम के एक्चुअल ड्रॉप को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिलीवर्ड स्लाइबर वेट, डिलीवर्ड स्लाइबर वेट का हम कैलकुलेशन करेंगे फिट स्लाइबर वेट डिवाइड बाई ड्राफ्ट, फिट स्लाइबर वेट डिवाइड बाई ड्राफ्ट इंटू नंबर ऑफ डबलिंग इंटू डबलिंग। और यहाँ पे जो एक काफी इंपॉर्टेंट ए फार्मूला है, रिक्वायर्ड ड्राफ्ट डिवाइड बाई प्रेजेंट ड्राफ्ट इक्वल टू, इक्वल होगा रिक्वायर्ड डीसीपी डिवाइड बाई प्रेजेंट डीसीपी, इक्वल होगा प्रेजेंट हैंग डिवाइड बाई रिक्वायर्ड हैंग। यानी इस फॉर्मूले से अगर हमें ड्राफ्ट चेंज पिनियन और हमारी प्रेजेंट में कितना चल रही है और हैंग हमें चेंज करना है, तो हम इस फार्मूले से जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। और हमें अगर ड्राफ्ट पता है तो, और हैंग पता है तो उससे भी हम ड्राफ्ट को जो है, रिक्वायर्ड ड्राफ्ट को जो है रिक्वायर्ड हैंग लाने के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस फार्मूले के इस्तेमाल हम मशीन में मैक्सिमम टाइम्स करते हैं। कुछ हम कैलकुलेशन के माध्यम से हम यहाँ पे जो है देखेंगे प्रोडक्शन को। अगर हम यहाँ पे हमने ड्राफ्ट का कैलकुलेशन देखा, अब यहाँ पे हम प्रोडक्शन का कैलकुलेशन देखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ ड्राफ्ट फ्रेम मशीन पाउंड्स पर शिफ्ट, यहाँ पे जो प्रोडक्शन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो पाउंड्स पर शिफ्ट में कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला जो हमारा इस्तेमाल होगा, फ्रंट रोलर सर्फिस स्पीड पाई डी एन इंटू 60 इंटू 8 इंटू इफिशियंसी डिवाइड बाई ये जो फ्रंट रोलर सरफेस स्पीड यानी डी हमारा इंच में है, तो हम यानी डायमीटर जो फ्रंट रोलर है फ्रंट रोलर का डायमीटर अगर इंच में है तो पूरी लेंथ हमारी इंच में आएगी। इसको हम यार्ड में कन्वर्ट करने के लिए 36 से डिवाइड करते हैं तो पूरी लेंथ हमारी यार्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, और 840 से डिवाइड करेंगे तो पूरी लेंथ हमारी हैंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और हैंग यानी जो हमारा स्लाइबर जो डिलीवर हो रहा है उसका काउंट हैंग से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्शन यानी वेट में वैल्यू हमारी वेट में आ जाती है, पाउंड्स में आ जाती है। और यहाँ पे इफिशियंसी परसेंटेज में है इसलिए यहाँ पे हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी। और नंबर ऑफ डिलीवरी, अगर सिंगल डिलीवरी है तो 1 से, डबल डिलीवरी है तो 2 से, 4 डिलीवरी है तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा कंप्लीट ड्राफ्ट फ्रेम का प्रोडक्शन पाउंड्स पर शिफ्ट में हमारा कैलकुलेट हो जाता है। दूसरा फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारी डिलीवरी, अगर हमें फ्रंट रोलर डायमीटर हमें नहीं पता और डिलीवरी हमें जो डिलीवरी स्पीड है वो हमें मालूम है, उस केस में जो है हम कैलकुलेशन करते हैं डिलीवरी स्पीड मीटर पर मिनट में इंटू टेंशन ड्राफ्ट इंटू 1.094 यानी मीटर पर मिनट में है इसलिए हम इसको यार्ड में कन्वर्ट करने के लिए 1.094 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू हमारी जो है यार्ड में कन्वर्ट हो जाती है इंटू 60 इंटू 8 इंटू इफिशियंसी इंटू इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड बाई 840 यार्ड में है इसलिए हमने 840 से डिवाइड किया, हैंग में कन्वर्ट हो गई पूरी वैल्यू। और हैंग यहाँ पे हमारा जो है इंग्लिश काउंट को, इंग्लिश काउंट हमारा जो स्लाइबर है स्लाइबर की फाइननेस यानी हैंग इंग्लिश काउंट यानी से डिवाइड कर देते हैं तो हम, और नंबर ऑफ डिलीवरी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन जो है कैलकुलेट हो जाता है ड्रॉ फ्रेम का, हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम इस जो हमने फार्मूला डिस्कस किया इनको हम एग्जांपल से हम कुछ समझते हैं। प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं, इफ एनी स्लाइबर हैंग 0.15 देन व्हाट विल बी द वेट पर यार्ड। अगर कोई स्लाइबर है जिसका हैंग जो है 0.15 यानी काउंट, हैंग मींस यहां काउंट से मतलब है यानी 0.15 है तो उसका जो है वेट कितना होगा, पर यार्ड वेट जो है स्लाइबर का कितना होगा इसको हमें कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं काउंट के हम फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। हियर गिवन स्लाइबर हैंग 0.15, स्लाइबर लेंथ 1 यार्ड, स्लाइबर वेट पर यार्ड हमें फाइंड आउट करना है। वी नो स्लाइबर हैंग इक्वल टू स्लाइबर लेंथ डिवाइड बाई लेंथ यूनिट स्लाइबर वेट डिवाइड बाई स्लाइबर वेट डिवाइड बाई वेट यूनिट। इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे यानी हमारा फार्मूला हो जाएगा स्लाइबर लेंथ डिवाइड बाई लेंथ यूनिट डिवाइड बाई इंटू वेट यूनिट डिवाइड बाई स्लाइबर वेट।
स्लैबर वेट इक्वल टू हो जाएगा, स्लैबर वेट को हम इधर कर लेते हैं, स्लैबर वेट इक्वल टू स्लैबर लेंथ डिवाइड बाय लेंथ यूनिट इनटू वेट यूनिट डिवाइड बाय स्लैबर हाइट। हम वैल्यू पुट करते हैं, स्लैबर लेंथ हमारी 1 यार्ड है और लेंथ यूनिट हमारी 840 होगी, यानी इंग्लिश काउंट के केस में हमारी जो है इंग्लिश काउंट के केस में लेंथ यूनिट वो 840 होगी और वेट यूनिट हमारी 1 पाउंड है और यहाँ पे स्लाइवर है यानी स्लाइवर काउंट को हम पुट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद हमारी जो वैल्यू आती है 0.079 पाउंड्स। अगर इसको हम वैल्यू को ग्रेन में चेंज करें तो हम 7000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर यार्ड जो हमारी ग्रेन यानी पर यार्ड जो स्लैबर का वेट होगा 55.30 ग्रेन पर यार्ड। तो इस तरीके से हम स्लैबर का वेट का कैलकुलेशन हम आसानी से कर लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ड्राइंग फ्रेम प्रोड्यूसिंग 0.18 हैंग स्लैबर विथ डीसीपी यानी ड्राफ्ट चेंज पिनियन ऑफ 58 टीथ। If we want to produce 0.17 hang sliver, then calculate the required DCP. यानी हम ऊपर जो आपने फॉर्मूले देखा कि जो DCP और hang में sliver के काउंट में जो रिलेशन था तो उस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। Present DCP of draw frame is 58. Present hang of draw frame is 0.18. Required hang हमें जो हैंक हमें प्रोड्यूस करना है 0.17, तो इस रिक्वायर्ड हैंक को प्रोड्यूस करने के लिए हम डीसीपी को यानी ड्राफ्ट चेंज पिनियन को हम किस पिनियन का किस टीथ का हम ड्राफ्ट पिन गियर लगा दें जिससे हमारा हैंक जो है 0.17 प्रोड्यूस होना मशीन जो हमारी हैंक जो प्रोड्यूस करे वो 0.17 प्रोड्यूस करे। तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, वी नो प्रेजेंट हैंक डिवाइड बाय रिक्वायर्ड हैंक इक्वल टू रिक्वायर्ड डीसीपी डिवाइड बाय प्रेजेंट डीसीपी। तो इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से हमें फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड डीसीपी यानी हमें जो है रिक्वायर्ड डीसीपी को फाइंड आउट करना है। तो प्रेजेंट हैंक इनटू प्रेजेंट डीसीपी डिवाइड बाय रिक्वायर्ड हैंक से हम डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड डीसीपी इक्वल टू प्रेजेंट डीसीपी इनटू प्रेजेंट हैंग डिवाइड बाय रिक्वायर्ड हैंग। यहां पे हम वैल्यू को पुट करते हैं 58 इनटू 0.18 डिवाइड बाय 0.17, हमारी वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद 61.41 आती है। हमारी कंप्लीट टीथ की जो गियर लगेगी 61 टीथ यानी 61 टीथ की अगर हम गियर को पुट कर दें तो रिक्वायर्ड हैंग हमें 0.17 जो है ऑप्टेंड होने लगेगा। मशीन जो हमें जो प्रोड्यूस करेगी वो 0.17 हैंग का स्लैबर प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरीके से हम इस ड्राफ्ट जो हम ड्राफ्ट चेंज कर लेते हैं हैंग को हम एक जो रिक्वायर्ड हैंग हमें प्रोड्यूस करना है उस रिक्वायर्ड हैंग को हम गियर चेंज करके और आसानी से ड्राफ्ट को चेंज करके हमें जो हैंग हम ऑप्टेंड कर लेते हैं। प्रोडक्शन का हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं। मशीन फ्रॉम फ्रंट रोलर डाया इज 11.10 इंच, स्लाइवर हैंक इज 0.16, फ्रॉम रोलर स्पीड इज 465 rpm एंड इफिशियंसी इज 90%, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्शन पर शिफ्ट ऑफ डबल डिलीवरी मशीन। यहाँ पे जो है डबल डिलीवरी की बात हो रही है यानी हमारा जो ड्रा फ्रेम है वो बायक्वालर है यानी डबल डिलीवरी का ड्रा फ्रेम है। Here given front roller dia 11 by 10 inch, front roller speed 465 rpm, sliver hang 0.16, efficiency of machine 90%, production per shift का production हम calculation कैसे करेंगे। production का formula हम यहाँ पे put करेंगे, front roller production equal to front roller surface speed pi dn into 60 into 8 into efficiency divide by पाई डी एन, डी की वैल्यू हमारी इंच में है इसलिए 36 से डिवाइड करेंगे कि पूरी लेंथ हमारी यार्ड में कन्वर्ट हो जाए और 840 डिवाइड बाय 840 से डिवाइड करेंगे जिससे पूरी लेंथ हमारी हैंक में कन्वर्ट हो जाए और इस जो इंग्लिश काउंट जो स्लाइवर का हैंक है उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारी वैल्यू जो है
वेट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी पाउंड में कन्वर्ट हो जाती है, और इफिशियंसी हमारी परसेंटेज में थी इसलिए डिवाइड बाय 100 और नंबर ऑफ डिलीवरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू को हम पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 286.80 पाउंड्स पर शिफ्ट, यानी हमारा जो ड्रा फ्रेम मशीन है वो पर शिफ्ट जो है 286.80 पाउंड्स जो है स्लैबर प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं टू गेट नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्लोर, टू गेट 0.17 हैंग स्लैबर फ्रॉम ड्राइंग मशीन बाय फीडिंग 0.14 हैंग कार्डेड स्लाइबर, यानी जो हम फीड कर रहे हैं वो कार्डेड स्लाइबर का हैंग जो है 0.14 है और जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए 0.17 हैंग का स्लाइबर हमें डिलीवरी में चाहिए। नंबर ऑफ कार्डेड स्लाइबर इज 6। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड डीसीपी यानी ड्राफ्ट चेंज पिनियन, ड्राफ्ट कांस्टेंट इज 234। तो यहाँ पे जो है हम ड्राफ्ट को कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले कि हमारा एक्चुअल ड्राफ्ट कितना है और उस ड्राफ्ट से हम डीसीपी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम पहले यहाँ पे ड्राफ्ट का कैलकुलेशन करेंगे, गिवन वैल्यू हियर गिवन डबलिंग सिक्स का, डबलिंग सिक्स फीड आर कार्डेड स्लाइबर हैंग 0.14, डिलीवरी आर ड्रान स्लाइबर हैंग 0.17, ड्राफ्ट कांस्टेंट ऑफ मशीन इज 234, डीसीपी फाइंड आउट करना हमें। सॉल्यूशन हम देखते हैं, वी नो ड्राफ्ट इक्वल टू डिलीवर्ड स्लाइबर हैंग इनटू डबलिंग डिवाइड फीड स्लाइबर हैंग। तो हम यहां पे वैल्यू को पुट करते हैं और हम ड्राफ्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारी ड्राफ्ट वैल्यू आती है 7.29। अब हमें एक्चुअल ड्राफ्ट मिल गया 7.29, डीसीपी इक्वल टू ड्राफ्ट कांस्टेंट डिवाइड बाय ड्राफ्ट, डीसीपी की और ड्राफ्ट ड्राफ्ट की वैल्यू हम पुट करते हैं, हमारी जो गियर कैलकुलेट कर होकर के आती है 32.10, इट मींस दैट 32 टीथ की गियर हम पुट करेंगे और हमें रिक्वायर्ड हैंग जो है मिल जाएगा मशीन से, ड्राफ्ट फ्रेम से। तो इस तरीके से मैं इस लेक्चर के माध्यम से ड्राफ्ट फ्रेम कैलकुलेशन को आपको समझाने की कोशिश किया। मैं समझता हूँ कि ड्राफ्ट फ्रेम के जो कैलकुलेशन है, ड्राफ्ट का कैलकुलेशन है, स्लाइबर हैंग का कैलकुलेशन है, प्रोडक्शन का कैलकुलेशन है, इस मशीन के जो ड्राफ्ट फ्रेम मशीन है, इस मशीन से जो हम प्रोडक्शन जो पर शिफ्ट पर डे जो प्रोड्यूस करते हैं उसका कैलकुलेशन आप अच्छी तरीके से आसानी से समझ गए होंगे। ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।